चल चल दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आपको भी मेरी जैसी ऐसी अपर चेस्ट चाहिए तो मैं आज आपको बहुत ही शानदार अपर चेस्ट के वर्कआउट बताऊंगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अपर चेस्ट होती है हमारी जो कॉलर बोन से पहली मसल जो हमारी चेस्ट की कनेक्ट होती है उसको अपर चेस्ट बोलते हैं। मैं एक बार आपको पोज करके दिखाता हूँ कि अपर चेस्ट का पोज क्या होता है। जैसे ये जो पूरी मसल है ना, आज मैंने चेस्ट ट्रेन करी थी तो इस मसल को, ये जो आपको दिख रही है पॉपअप होकर आ रही है, इसको अपर चेस्ट बुलाया जाता है। तो इसकी वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे फॉलो करो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपनी अपर चेस्ट को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हो। तो ये है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, आप सबकी जिम में होगी। अगर नहीं भी है तो आप इंक्लाइन डंबल प्रेस से भी इसको कर सकते हैं। मैंने उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। आप ऐसे आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान ये रखना है। सबसे पहले जो सीट है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपकी पोजीशन, आप मतलब किस तरीके से इस पर बैठ रहे हो वो मैटर करता है। लाइक ये जो आपकी बार आती है, जैसे अगर आप इंक्लाइन प्रेस लगा रहे हो तो बार है, ये जो आपकी ग्रिप आती है ना, ये आपकी मिडिल चेस्ट पर रहनी चाहिए। क्योंकि जब ये मूव करती है ना, अगर उसी समय अगर ये हमारी अपर चेस्ट पर रही तो हमारे शोल्डर पर आ जाएगी। तो इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको अपना जो भी जिस वेट से भी आप कंफर्टेबल है उस वेट को सेलेक्ट करके, और प्रॉपर ग्रिप रहनी चाहिए हमारी शोल्डर से हल्की सी बाहर। क्योंकि ये वर्कआउट है ना, अगर आप बिल्कुल शोल्डर के इस ग्रिप लोगे ना तो ये आपके फ्रंट शोल्डर्स और आपकी ट्राइसेप पे आएगी। और अगर आपको सिर्फ इसको डायरेक्ट अपनी अपर चेस्ट पे लेनी है तो हल्की सी शोल्डर से बाहर आपको ग्रिप लेनी है, प्रॉपर अपनी बैक को स्क्वीज करके एंड अप। अब आप देख सकते हो कि चेस्ट का पॉपअप कितना अच्छा आ रहा है। देन स्लो 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 डाउन, स्ट्रेच एंड अप, स्ट्रेच एंड अब आप इसमें याद रखो कि आपकी जो एल्बो है ना वो यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एल्बो यू जाएगी तो आपकी शोल्डर पे वेट आएगा, इसलिए आपकी एल्बो बिल्कुल ऐसे अंदर की साइड ट्विस्टेड रहनी चाहिए। देन आपको पूरा स्ट्रेच लेना है चेस्ट का एंड प्रेस। और ऊपर जब आप इसको पुश कर रहे हो ना तो आपको याद रखना है कि पूरा पुश करना है। ये आपको थोड़ा सा शोल्डर पर आएगा लेकिन अपर चेस्ट की, क्योंकि अपर चेस्ट और हमारी शोल्डर का फ्रंट एल्बो दोनों इंटरकनेक्टेड होता है, तो पूरा पुश करके देन स्ट्रेच। और जैसे ही आपकी वर्कआउट खत्म हो आपको इंस्टेंटली अपने अपर चेस्ट का पोज करना है। मतलब आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो फाइबर कितने अच्छे पॉपअप हो रहे हैं अभी वीडियो के अंदर, और आपकी फ्रंट डेल्ट भी इसके साथ ट्रेन हो जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। आप बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप इसको उठा रहे हो और नीचे रख रहे हो ना, थोड़ा सा उसको पेशेंटली करना। क्योंकि बहुत बार होता है एक शोल्डर ऊपर होता है एक शोल्डर नीचे होता है, तो हमारे शोल्डर में इंजरी हो सकती है। ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी अपर चेस्ट मेरी तरह ग्रो होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।